खबरों का और ये बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शराब दुकानों को लेकर यह बड़ा फैसला दिया गया। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर दूरी पर अब दुकानें होंगी। पहले 50 मीटर की दूरी पर दुकान खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब इस दूरी को बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें होना चाहिए। याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को निराकृत किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमन, यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया और जो स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से दूरी थी 50 से बढ़ाकर उसे सीधा 100 कर दिया गया है। जी ऋषभ, देखिए ये जो पूरा मामला है ये स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया था इस चीज पर कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और जो धार्मिक स्थल है उसके आसपास जो छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें थी उनसे लोगों को काफी समस्या होती थी, इसे ही जनहित याचिका मानकर जो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उस पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद जो है राज्य सरकार से इस विषय पर जवाब मांगा गया था कि इस दिशा में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और अभी जो नियम है आबकारी के वो क्या कहते हैं। उसके बाद जब ये सुनवाई पूरी हुई तो हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है कि जो 50 मीटर का जो नियम बना हुआ था कि स्कूल, कॉलेजों और जो धार्मिक स्थल है वहां से 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें होंगी उसे बढ़ाकर अब 100 मीटर कर दिया गया है। अब जो ये दुकानें हैं ये 100 मीटर से अधिक दूरी पर होनी अनिवार्य है और इसके अलावा जो हाईवे से जो 500 मीटर की दूरी जो पहले भी नियम में थी उसे भी बरकरार रखा है। तो कुल मिलाकर अब ये मामला जो है हाईकोर्ट ने निराकरण, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर 50 मीटर के दायरे में ही शराब की दुकानें होंगी, तो क्या इन शराब की दुकानों को विस्थापित किया जाएगा या फिर बंद किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो दुकानें अभी 50 मीटर के दायरे में हैं, मतलब 50 से 100 के अंदर आती हैं, वो सभी दुकानों को स्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ही अभी शराब दुकानों को संचालित करती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें विस्थापित करके दूसरी जगह पर। बिल्कुल अमन, और हाईकोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।